सो फिल्म इंडस्ट्री से कुछ देर पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि विजय देवराकोंडा और समांथा रुद्र प्रभु फिल्म खुशी के सेट पर इंजर हो गए हैं। जी हाँ, जब दोनों कश्मीर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जहां इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। और जब से ये खबरें मीडिया में फैली हैं तब से ही फैंस परेशान घूम रहे हैं। ऐसे सभी फैंस को मैं बता दूँ कि समांथा रुद्र प्रभु और विजय एकदम ठीक है। जी हाँ, जब फिल्म खुशी के सेट पर इन दोनों को चोट नहीं आई है और विजय और समांथा को लेकर फैल रही खबरें बिल्कुल फेक हैं और झूठी हैं। सो क्या है पूरी बात, आखिर ये फेक न्यूज़ आई कैसे एंड व्हाट्स द रियलिटी, ये सब जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, नमस्कार, मैं हूँ रीशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज़ लाइक ऑल द वीडियोज़ दैट यू लाइक कैन लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो मैं आपको बता दूं कि रमेश बाला ने ट्वीट किया है और आगे लिखा है कि फेक न्यूज़ अलर्ट, कुछ फेक रिपोर्ट्स चल रही हैं कि विजय देवराकोंडा और समांथा दोनों फिल्म खुशी की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। पूरी टीम कल हैदराबाद लौटी है और इस टीम ने कश्मीर में 30 दिन यानी 30 डेज़ की शूटिंग पूरी ख़त्म कर ली है, जो सफल रही है, सक्सेसफुल रही है, और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। सो खबर थी कि साउथ के एक्ट्रेस समांथा रुद्र प्रभु और विजय दोनों फिल्म खुशी की शूटिंग कर रहे थे। जो कश्मीर में फिल्म शूटिंग चल रही थी, इस दौरान फिल्म का एक सीन शूट किया जाना था जो कि एक स्टंट सीक्वेंस था। इस दौरान दोनों एक्टर इंजर हो गए थे। ये जो फेक न्यूज़ थी वो पहले ऐसी न्यूज़ आई थी। खबर ये भी थी कि देवराकोंडा की टीम के एक मेंबर ने ये पुष्टि की है, कन्फर्म किया है कि इस घटना में समांथा और विजय को चोट लग गई है। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रू मेंबर ने उन्हें बताया था कि समांथा और विजय कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक स्टंट सीक्वेंस कर रहे थे और नदी के किनारे पर एक रोप बंधी हुई थी जिसके ऊपर गाड़ी को चलाया जाना था, जिसमें दोनों एक्टर्स को बैठना था, और ऐसे में गाड़ी गहरे पानी में जा गिरी। इस दौरान समांथा और विजय दोनों को पीठ पे बहुत गहरी चोट भी आई है। हालांकि उन्हें उस दिन ही प्राथमिक उपचार दिया गया है और तब ये भी कहा गया था, जी हाँ ये भी कहा गया था, कि इस घटना के बाद दोनों को तुरंत डल झील के किनारे बने होटल में ले जाया गया और फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुलाया गया था ऑन अर्जेंट बेसिस इन एन इमरजेंसी वे, और अब दोनों का ट्रीटमेंट वहां एट प्रेजेंट चल रहा है। जहां अब रमेश बाला का ट्वीट पढ़कर फैंस अब सैटिस्फाइड है और खुश है। जब विजय और समांथा की फिल्म खुशी का फर्स्ट लुक फैंस के सामने आ चुका है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। फैंस का कहना है कि वो विजय और समांथा की मूवी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। वेल, इस न्यूज पर आपका क्या टेक है? क्या आपको नहीं लगता कि आजकल ये फेक न्यूज और कंटेंट ज्यादा फैल रहा है? इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या टेक है? डू लेट अस नो योर टेक एंड इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।